फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स महिमा हियर। सो आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू का एंड डेमो का वीडियो। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च्ड NY बे के कैस्टर ऑयल इन्फ्यूज कंसीलर का। आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल है यहाँ, तो मैं आपको बता दूँ ये purple.com पे जो है न्यूली लॉन्च हुआ है NY बे का कैस्टर ऑयल इन्फ्यूज कंसीलर कलेक्टर, यानी कि जो भी है स्टिक्स वगैरह। तो इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं यार, और इसमें से ना आप इसे ऑरेंज कलर करेक्टर अगर आपने यूज़ करना है, आपके डार्क सर्कल हैं, अगर आपके एक्ने हैं, आपको ग्रीन कलर करेक्टर चाहिए, तो यार ऐसे काफ़ी सारे शेड्स हैं। कंसीलर शेड है, फाउंडेशन शेड है, हाइलाइटिंग शेड है, कंटूरिंग शेड है, सारे शेड्स अवेलेबल हैं इनके पास। और मैं बात करूँ तो ये क्रीमी कंसीलर्स हैं और सिर्फ एक्सक्लूसिवली purple.com पे ही अवेलेबल है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे यार, सिर्फ purple.com पे ही मिलेंगे, उसके अलावा और कहीं अवेलेबल नहीं है ये। एंड purple.com पे एक्सक्लूसिवली ऐसे ही ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि NY बे भी उनका ही ब्रांड है ये वाला, और सिक्योरिटी वगैरह, एज गुडनेस, गुड वाइब, ये सारे उनके ही ब्रांड हैं। तो और उनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ठीक होते हैं। तो चलिए अब इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके की इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। आगे आपको यहाँ मैं चाहे NY बे हाइडिंग इन सिटी हॉल फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर करेक्टरिस्टिक कलर करेक्टरिस्टिक, एंड यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स में आपने इन्होंने मेंशन करा है कैस्टर ऑयल, जो कि इनका जो नेम है कैस्टर ऑयल इन्फ्यूज़, तो ये है इसके अंदर। एंड इसका प्राइस 135 है, आपको क्वान्टिटी 4.8 ग्राम दे रहे हैं ये लोग। एंड इन्होंने यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी मेंशन की 2021 तक। एंड यहाँ इनके क्लेम्स हैं ब्लेंड्स एफर्टलेसली क्रीजलेस एंड कम्स विद बफिंग ब्रश, तो ये किसी बफिंग ब्रश के साथ नहीं आता, एंड ये क्रीज भी करता है और ब्लेंड्स तो इजीली हो जाता है। एंड एनरिच विद कैस्टर ऑयल, जो कि बिल्कुल सही है, नेचुरल कवरेज देता है बिल्कुल, एंड ये स्मज रेजिस्टेंट, जो कि ये नहीं है। एंड ये रहा मेरा शेड 10 द वार्म आइवोरी सीक्रेट टीजर्स। तो अंदर से आपको ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका स्वैच भी दे देती हूँ, आप देख सकते हैं मेरा 010 जो सॉरी ये 10 जो शेड है इसका स्वैच कुछ इस तरीके का है। मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ, इजीली ब्लेंड हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल कवरेज दे रहा है। मैंने आपको इसकी पैकेजिंग वगैरह सब कुछ दिखा दिया है, और मेरा जो शेड एज आई सेड कि मेरा शेड 10 है, तो इस शेड में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है मेंशन होता है एज आई टोल्ड यू ऑल, मेरा शेड है द वार्म आइवोरी सीक्रेट टीजर्स। एंड इसमें भी ना आपको पीछे ये मेंशन है कि आपका कौन सा शेड है, और ये लोग आपको ना 135 रुपीज़ में 4.8 ग्राम प्रोडक्ट दे रहे हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। पर purple.com क्या आपको purple.com पे आपको ईजिली डिस्काउंट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो आप इससे भी सस्ते में इसको ले सकते हैं। एंड और आप इसको 319 से 221 तक यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है इसको यूज़ करने का, उससे पहले ही इनफैक्ट ये ख़त्म हो जाएगी। purple.com वालों ने इससे पहले भी एक कंसीलर स्टिक जो है वो निकाली थी, वो भी मेरे पास है। मैं अगर आप चाहते हैं मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ, दोनों में से कौन सी अच्छी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो ये 135 में ठीक है यार, उसका भी लगभग प्राइस कुछ ऐसा ही था, आई कुडंट रिमेंबर। आप प्लीज़ कमेंट के बताइएगा कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं दोनों का या नहीं। बट इसमें ये फ़र्क है, ये है NY बे कैस्टर ऑयल इन्फ्यूज फाउंडेशन स्टिक, एंड ये काफ़ी सारे क्लेम्स भी करती है, ब्लेंड्स एफर्टलेस, जो कि बिल्कुल सही क्लेम है, वो आप डेमो में देख लेंगे जब मैं आपको डेमो दिखाऊंगी। क्रीजलेस नहीं है यार, ये क्रीज करता है। एंड ये कम्स विद पफिंग ब्रश, आई डोंट नो इन्होंने ऐसा खोल कहा कि किसी भी पफिंग ब्रश के साथ नहीं आता, यूं ही मिलेगा आपको ये। एंड एनरिच विद कैस्टर ऑयल, जो कि बिल्कुल सही है, उन्होंने इंडिकेटर्स में मेंशन कर रखा है कि इसके अंदर कैस्टर ऑयल है। एंड नेचुरल कवरेज इज क्वाइट गुड, हाँ ये नेचुरल है, बिल्कुल मीडियम से कवरेज देगी, ये ज़्यादा नहीं देती। एंड स्मज रेजिस्टेंट, वो भी हम डेमो में दिखाई दूंगी मैं आपको, तो यही सब इन्होंने मेंशन करा है। अगर आप मेरे टाइप के स्किन टोन के हैं, मीडियम टू फेयर में अगर आप हैं, थोड़े से वीटिश में भी हैं, तो भी आप इस वाले शेड को यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी सही शेड है। मतलब मीडियम टू फेयर टू वीटिश, यानी कि जो लोग होते हैं उनमें ये शेड चल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है वॉश आउट करेगा क्या, ये काफ़ी ईजिली कंसील कर देगा, एंड फाउंडेशन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. आप सभी ने सब कुछ देख लिया इसका डेमो वगैरह एंड एवरीथिंग। तो अब आप अगर आप में से प्रॉपर जो है वर्डिक लेना चाहोगे, मैंने डेमो में इसको जो है मेबलिन के सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट के साथ सेट भी करा था, और अभी इनफैक्ट जो है मैंने वही वेयर करा हुआ है। तो अगर मैं आपको बात बताऊँ इसके
मतलब जो है लास्ट कितना करता है ये, बिल्कुल भी यार इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसकी कवरेज भी काफ़ी नेचुरल है, बिल्कुल शर्ट टू मीडियम आपका ऐसा लगेगा कि यार हाँ हल्का हल्का कुछ लगाया है आपने। तो वही चीज़ है यार, आपको यू नो ये चीज़ दिमाग में डालनी पड़ेगी, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्रीमी कंसीलर है तो क्रीज़ भी करता है, कितना ही आप सेट कर लो टचअप कर लो क्रीज़ करेगा ये। तो यार मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अगर आपकी ऑयली स्किन है, मेरी ऑयली स्किन है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है यार मेरी, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन में है, तो यार मैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो है क्रीमी कंसीलर्स तो मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि जो है अभी समर्स आ गए हैं आपको पता है, तो यार समर्स में जो है इसको यू नो आप देख सकते हो लगाने का कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नाइस की कवरेज है। अगर आपको लेना है तो यार आप ले सकते हो, बट अगर ऑयली स्किन है तो यार इजीली ये लास्ट नहीं करेगा आपकी स्किन पे, यू नो काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ जाएगा आपकी स्किन पे जल्दी ही, आप कितना ही टचअप कर लो कितना ही सेट कर लो फिर भी ऑयल आ जाएगा आपकी स्किन पे, एंड ऑयली स्किन पे ज़्यादा नहीं टिकने वाला यार, ओनली 2 से 3 घंटे, दैट्स इट, ओनली 2 से 3 घंटे। अगर आप विंटर्स में इसको यूज़ करना चाहते हो तो विंटर्स में थम्स अप, क्योंकि इसके अंदर कैस्टर ऑयल भी तो ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है, विंटर्स में आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो, बट अभी इसको यूज़ करने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग भी बहुत होती है यार, तो ईजिली जो है निकल जाता है। और हाँ ये स्मच रेसिस्टेंट भी नहीं है, ये स्मच जो है कर जाता है, अगर आप इसको यूँ करके निकालोगे तो ये आपके हाथ में आ ही जाएगा प्रोडक्ट थोड़ा बहुत। तो वही चीज़ है, आपको यार इस बात का जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि यार ये प्रोडक्ट जो है वैसा नहीं है, आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो, काफ़ी हाइड्रेटिंग है, ड्राई स्किन है नॉर्मल है तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो, बट अगर ऑयली स्किन है तो आप मत ही यूज़ करो, मैं यही बोलूँगी, ये था मेरा प्रॉपर वर्डिक्ट। और ड्राई स्किन पर जो है ये इजीली टिक जाएगा 3 से 4 घंटे तक, क्योंकि वो जो है ऑयली ऑयल नहीं आता उन पर एंड नहीं ऐसा कुछ होता है, बट ऑयली स्किन पे ऑयल आता है तो यार ये थोड़ा जल्दी उतर जाता है। आई होप आपको ये मेरा प्रॉपर वर्डिक्ट जो है पूरा रिव्यू जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।